हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट टाइम हमने अपना थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड वाला पार्ट खत्म करे थे, जिसमें हमने लेफ्ट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड पाम रूल के क्वेश्चंस कर रहे थे। साथ साथ हमने काफ़ी सारी चीज़ों को डीपली समझा था, और तक फोर्स डायरेक्शन, करंट कैसे फोर्स लगता है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और फिर कैसे करंट करंट बनता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है और फिर फोर्स लगता है। तो देखिए, हमने पहले अब तक क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा क्या हमने, सबसे पहले बनेगा करंट, मूविंग चार्ज से करंट बनेगा हमारा, मूविंग चार्ज। ठीक है, इससे क्या बनेगा, फिर हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड को शो करने का तरीका ये है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, देन इससे क्या बनेगा, बनेगा हमारा फाइनली फोर्स। कौन सी, मैग्नेटिक फोर्स। ये चीज है, आज हमें क्या पढ़ना है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन समझते, बताते हैं अभी, देखिए एप्लीकेशन ऑफ दिस। बात ये आती है, हम ये सारी चीजें पढ़ क्यों रहे हैं, हमारे को इससे बेनिफिट क्या है, हमें क्या मतलब है, किस पे कितना फोर्स लग रहा है, फायदा क्या हमें इसका। हम किसी भी चीज को पढ़ते तो उससे हमारे कुछ आउटपुट तो मिलना चाहिए, फायदा होना चाहिए। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा होता है हमारे को जो डिवाइसेस बनते हैं ना, हमारे इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह, उनमें इसका एप्लीकेशन होता है। वहां पे क्या होता है, हम करंट बनाते हैं, करंट डालते हैं उसमें, एनर्जी से एनर्जी बना के, एनर्जी अपनी देते हैं, करंट डालते हैं, और फिर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और फिर मोटर चलती है हमारी। हम देखा होता है ना भाई, बिजली की मोटर जो होती है, जो घूमती है मोटर, वो कैसे घूमती है ना, बिजली में लगाते हैं उन्हें घर में, तो क्या होता है, हम करंट सप्लाई करते हैं, करंट सप्लाई होता है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो सिंपल सी बात है, वो आगे घूमती है, और फिर हम घूमती है फोर्स की वजह से, और हमारा काम बन जाता है। तो हमें क्या पढ़ना है आज एप्लीकेशन में, इसका इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर को काफी अच्छे समझेंगे। पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या होता है। भाई सिंपल से आता है, डिवाइसेस में यूज होती है मोटर, आपको पता है, चीजों को मूव कराने में। ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या है, मतलब किस सिद्धांत पे काम करती है, काम क्या है इसका, एम ये लिख लेते हैं, प्रिंसिपल। ठीक है, इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है कोई भी चीज अगर मूव करे तो उसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं हम, मूव करनी चाहिए कोई भी चीज तो उसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। जैसे पंखा घूमता है, पंखे में मोटर होती है ना, तो पंखा घूम पाता है, तो मैकेनिकल एनर्जी घूम रहा है, उसमें करंट सप्लाई करते हैं, करंट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी, और उससे जब बना उससे बनती है मैकेनिकल एनर्जी, कन्वर्जन होता है एक तरह से मैकेनिकल एनर्जी। ये है इसका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इसका कई बार पूछते हैं, एक नंबर पूछ लेते हैं क्वेश्चन में, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, ये लाइन कई बार आता है पेपर में और काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये एक्टिविटी के तरह समझेंगे हम पहले, इसमें क्या क्या चीज आपको अगर पेपर में आते हैं, एलैबोरेट इलेक्ट्रिक मोटर, ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, तो उसमें हमें सारी चीजें लाइन से लिखनी होती है। पहले उसका प्रिंसिपल लिखना होता है, क्या क्या चीजें हमें चाहिए होती है वो लिखना होता है, और फिर उसके थ्योरी लिखनी होती है। ठीक है, तो सारी चीजें हम लिखते चलेंगे। पहले हम लिखेंगे, अब क्या लिख लेते हैं, मटीरियल्स रिक्वायर्ड लिख लेते हैं, रिक्वायर्ड क्या क्या चीजें चाहिए हमें, रिक्वायर्ड एक मोटर बनाने के लिए, मैग्नेट्स, मैग्नेट्स तो चाहिए होंगे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए। देखिए ये हमें देना पड़ता है, ये भी हमें लगाना पड़ता है साथ में मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए, और जब ये दोनों चीजें कॉम्बिनेशन में आती है तब हमें मिलता है फोर्स। ये इससे जनरेट तो हो जाएगा, इससे जनरेट भी होगा, और अलग से भी लगाना पड़ता है हमें, क्योंकि अगर इससे जनरेट होगा ना ये, उसका भी अलग यूज है, इससे भी जनरेट होता है और अलग से भी लगाते हैं हम। मोटर में क्या करते हैं हम, नॉर्मली तो क्या होता है, पहले करंट, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, लेकिन जब मोटर में अप्लाई कर रहे हैं तब हम बाहर से अलग से मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, वो वायर में जो बनेगा मैग्नेटिक फील्ड उसका काउंट नहीं करते, उससे एनर्जी नहीं बनेगी, याद रखिएगा। ये हमें आउटपुट में लगाना पड़ेगा, इस इनपुट में, सॉरी इनपुट में, ये इनपुट होगा हमारा, ये और ये दोनों हमारे इनपुट रहेंगे मोटर में, और ये हमारा आउटपुट रहेगा जिससे हमारी मोटर वर्क करेगी। ठीक है, आउटपुट होता है जो हमें रिजल्ट मिला, इनपुट जो हमने डाला, जैसे हम भाई होता है ना, हम खेती वगैरह करते हैं, सपोज फार्मिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या सीड्स लगाते हैं, पानी, फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स वगैरह सारी चीजें डालते हैं, तो क्या हमारा इनपुट है, और आउटपुट क्या है,
हमें जो उससे खाना फसलें मिलती है फील्ड्स में, वो क्रॉप्स वगैरह, वो सारा क्या है हमारा आउटपुट। तो ऐसी चीजें चलती है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो इनपुट आउटपुट समझ गए। मटेरियल रिक्वायर्ड में क्या रहेगा, मैग्नेट्स, वायर, कॉपर वायर यूज करते हैं बेसिकली हम, कॉपर वायर। कॉपर वायर्स क्यों यूज करते हैं, कि कॉपर वायर्स का ना कम रेजिस्टेंस होता है, इसलिए हम उसे ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस हमें कम से कम चाहिए। अपना ये पता होगा इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाता, रेजिस्टेंस क्या होता था, जो करंट को फ्लो होने से रोकता था। अब करंट अगर यहाँ पे धीरे फ्लो होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में अच्छे से फोर्स बनेगा नहीं। करंट फ्लो धीरे होगा तो मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स जनरेट नहीं होगी, जितना ज्यादा करंट होता है उतनी ज्यादा फोर्स जनरेट होती है, ये बात भी याद रखिएगा। इसकी भी एक्टिविटी दे रखी, कॉपर वायर्स, स्प्लिट रिंग्स, ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्प्लिट रिंग्स, ठीक है। और बैटरी, बैटरी तो चाहिए होगी भाई, करंट सप्लाई करने के लिए, एक्सेट्रा, बस इतना काफी, ये सारी चीजें। एक बार पहले इतना लिख दिया, ये यहां से हमने मोटर स्टार्ट कर दिया। अभी पहले मोटर को समझेंगे, अब हम पूरी मोटर काफी डीपली समझेंगे, काफी बाहर आती है, ठीक है। वैसे लिख लीजिए, सो देखिए, तो देखिए पहले हम मोटर का वर्किंग समझेंगे, वर्किंग थ्योरी वगैरह पहले हम समझेंगे कैसे होती है वर्किंग, फिर बाद में हम थ्योरी लिखेंगे उसको पूरे पॉइंट वाइज, पॉइंट वाइज पहले समझना इंपॉर्टेंट है, तो पहले समझ लेते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल्स वगैरह नोट कर लीजिएगा ऊपर, पूरी एक एक्टिविटी होती है। तो पहले हम इलेक्ट्रिक मोटर का अंदर का सिस्टम बनाते हैं कि कैसा होता है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा, ये काफी डीप में आता है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, एक बार देखिए, तो देखिए ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर का अंदर का डायग्राम। पहले समझते देखिए, हमने क्या करा, यहाँ पे दो मैग्नेट्स लगा दिए, नॉर्थ, एक साइड नॉर्थ पोल है, एक साइड साउथ पोल है। क्यों लगाइए, ताकि हम एक मैग्नेटिक फील्ड बना सके दोनों के बीच। ये बात आपको पता है, मैग्नेट में क्या होता है, एक साइड से नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है और साउथ पोल की तरफ जाती है। तो क्या किया हमने, दो मैग्नेट्स लगाए इस तरह से कि जैसे मान लीजिए ये नॉर्थ पोल, दो मैग्नेट्स है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, साउथ में चली जाएंगी, तो इन दोनों के बीच में कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, ऐसे नॉर्थ साइड से निकलता हुआ साउथ की तरफ जाता हुआ, कैसे, इस तरह से कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। कॉन्स्टेंट क्या होता है, जो चेंज ना हो, चेंज थोड़ी हो रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, आगे देखना, मैग्नेटिक फील्ड बना, भाई देखिए हमने क्या किया था, हमने क्या बोला था आपको, मैग्नेटिक फील्ड इनपुट में देना है और करंट देना है। तो नीचे से देखिए, हमने करंट बैटरी लगाई है, बैटरी किसने लगाई होगी, ऑब्वियसली करंट के लिए, करंट यहां से निकलेगा। उसके बाद आता है, बात आती है यहां पे, ये जो दो चीजें लगाई है, एक तो ये रिंग फॉर्म में और एक ये ब्लू कलर का, तो देखिएगा क्या काम होता है, पहले इनको समझते हैं है क्या। ये जो ब्लू कलर का रखा है इसको बोलते हैं ब्रशेस, दो होते हैं भाई, एक इस साइड पे एक इस साइड पे, ठीक है, ब्रशेस। इसका काम क्या रहता है, ये क्या करता है, इस वायर को इसके साथ कनेक्ट करके रखता है, मेक कनेक्शन, मेक कनेक्शन, ब्रशेस का कनेक्शन करता है, इस वायर को इससे जोड़ देता है। ये ब्रशेस क्या करते हैं, इस वायर को इससे जोड़ेंगे रिंग से, और रिंग आगे फिर ऊपर जुड़ेगी, मेक कनेक्शन, सिंपल सा मतलब इसका कनेक्ट करने का काम है, कनेक्शन विद रिंग्स, स्प्लिट रिंग्स लिख देते हैं। अभी देखिए स्प्लिट रिंग्स बताते क्या होते हैं, स्प्लिट रिंग्स, ठीक है। अब देखिए ये जो डी दिखाई दे रहे, डी फॉर्म में रिंग फॉर्म, इनको बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स। इनका का क्या काम होता है देखते हैं, भी स्प्लिट रिंग्स। अब देखिए एक चीज सिंपल समझिए, पहले स्प्लिट रिंग को छोड़िए, पहले ऊपर देखिए, यहां से करंट पास होगा, इनका वर्क अभी देखते हैं, पहले आपको समझ में आएगा, पहले देखते हैं। मान लीजिए यहां से करंट निकला, करंट निकलेगा इन ब्रशेस के थ्रू रिंग के पास करके, मान लीजिए ऊपर जा रहा है, यहां से यहां आ गया वायर में। आप एक चीज बताइए, देखिए यहां पे आपको यह बताना है कि जब इस वायर पे करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, सोच के बताइए, सोचिए एक मिनट पॉज करके, इस वायर पे क्या फोर्स लगेगा, फोर्स कब लगता था, जब चार्ज मूव करता था मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही यहां पे, तो फोर्स बताइए किधर लगेगा। एक बार देखिए पॉज करके देखिए,
तो देखिए कैसा लगेगा, पॉज करके आपने सोच लिया होगा आंसर, देखिए क्या लगे। यहाँ पे आपको लगाना है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाइए या फिर राइट हैंड पाम रूल लगाइए, दोनों में से आंसर सेम आएगा। हम पाम रूल को ट्राई करते हैं। देखिए पाम रूल क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की तरफ प्लेस कर देते हैं ऐसे, और करंट ऊपर की तरफ। देखिए ऐसे हो गया ना हमारा हाथ, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इधर की तरफ कर दी, करंट ऊपर की तरफ प्लेस कर दिया, फोर्स का लग रही है, पाम कहाँ जा रही है हमारी, अंदर की तरफ है ना पाम, तो बोर्ड के अंदर, तो ये क्या होगा, इस वायर पर फोर्स लगेगा इनसाइड, तो ये क्या जाएगी, वायर इनसाइड जाएगी, इसको उल्टा कर देते हैं, इसको ऐसे, ये वायर अंदर की तरफ जाएगी, ठीक है, ये वायर अंदर की तरफ जाएगी ऐसे, अंदर की तरफ। अब इस वाले वायर को देखिए, देखिए ये करंट ऊपर जा रहे हैं ऐसे, यही तो वायर है भाई, वायर तो सेम ही है, यहां से फिर नीचे की तरफ भी आएगा ये करंट सेम, भाई जो ऊपर जा रहा है नीचे आएगा। अब यहां पे जरा सेम चीज लगाइए, ये वाली वायर कहां जाएगी, ये वाली वायर सोचिए कहां जाएगी, फोर्स इस पे लगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट कहां है, नीचे की तरफ, तो इस पे फोर्स कहां लगा, देखिए बाहर की तरफ, तो ये वायर बाहर की तरफ आएगी थोड़ा, ठीक है, ये वायर बाहर की तरफ आ गई। अब देखिए ये अंदर जा रही थी, ये बाहर जा रही थी, मोटर घूमने लग गई, देखिए इस तरह से जो उसका कॉइल थी ना ऐसे घूम गई, देखिए ये अंदर ये बाहर, ऐसे घूम गई कॉइल, ठीक है। अब एक चीज देखिए, उनको नाम दे देते पॉइंट को ए बी सी डी, इन पॉइंट की वैल्यू रहेगी, ए बी वायर में फोर्स कहां लग रहा है, करंट ऊपर जा रहा है तो अंदर की तरफ, और सी डी वायर में कहां लग रहा है फोर्स, बाहर की तरफ, तो ये कॉइल घूम जाएगी ऐसे, ऐसे ना, ऐसे घूम जाएगी, जो सी डी वायर है वो इधर आ जाएगी और जो बी ए बी वायर है वो इधर आ जाएगी। अब यहां पे एक चीज देखिएगा, जैसे कॉइल घूम जाएगी, कॉइल घुमा देते हैं, कॉइल घुमाते क्या होगा, मान अभी मिटा रहे हैं हम, देखिए कॉइल घुमाते क्या होगा, ए इधर आ जाएगा, बी इधर, सी इधर और डी इधर। एक चीज देखिए, आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब वायर यहां पे ए बी वायर थी तब करंट इसमें कहां जा रहा था, ऊपर की तरफ, लेकिन यहां पे जब ए बी वायर आई तो करंट कहां जा रहा है, नीचे की तरफ। अब के वायर में करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, ए बी वायर में पहले ऊपर जा रहा था नीचे आ गया, सी डी वायर में पहले नीचे जा रहा था करंट, अब ऊपर आ गया, क्योंकि कॉइल आधी घूम गई, 180 डिग्री टर्न हो गई कॉइल। अब फिर से देखिए, फिर वही चीज होगी, अब के क्या होगा, सी डी में वही चीज होगी, अंदर की तरफ जाएगी कॉइल, ये बाहर की तरफ आएगी, फिर वापस घूम जाएगी, फिर वापस क्या होगा, घूम जाएगी तो यहां पे वापस ओरिजिनल पोजीशन आ जाएगी, ये ए हो जाएगा, ये बी, ये सी और ये डी, पूरा 360 डिग्री कॉइल ने टर्न कर लिया, आधा जब टर्न किया तो करंट डायरेक्शन पलटी, फिर दोबारा टर्न किया तो फिर पलटी, तो यहां पे क्या रहता है, करंट की डायरेक्शन बदलती रहती है बार बार, इधर से उधर, कभी इधर कभी ऊपर, हर कॉइल में कभी ऊपर की तरफ कभी नीचे की तरफ, जिससे क्या होता है फोर्स लगता रहता है और कॉन्टिन्यूसली मोटर ऐसे घूमती रहती है, और हमारा काम चलता रहता है, मोटर घूमती है तो हम आगे मैकेनिक्स मशीन वगैरह में सारी चीजें यूज कर लेते हैं, मशीन्स वगैरह में जितने जगह मोटर यूज होती है, तो आप समझते हैं स्प्लिट रिंग का काम क्या होता है। स्प्लिट रिंग का काम होता है, देखिए ये क्या काम करते हैं, इनके साथ इन वायर के साथ सही से कनेक्शन बनाती है, इस वायर का कनेक्शन बनाना जरूरी, क्योंकि देखिए जब कॉइल टर्न कर रही है तो हो सकता है उसको सही से वो रोटेट ना कर पाए, भाई यहाँ पे लपेटे पड़ सकते हैं, तो ये सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए आती है स्प्लिट रिंग, इट मेक कनेक्शन विद कॉइल, रोटेटिंग कॉइल, रोटेटिंग कॉइल, ठीक है, तो स्प्लिट रिंग का समझे, क्योंकि इनके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना जरूरी है, स्प्लिट रिंग्स घूमती हैं और उसको सही से प्लेस रखती है उस वायर, कहीं हिले डुले ना, कहीं इसमें लपेटे ना लग जाए, तो ऐसी चीजों को अवॉइड करने लगा जाती है स्प्लिट रिंग्स, क्योंकि जब ये वायर घूमेगी, इस वाली वायर इस वाली स्प्लिट रिंग पे जुड़ जाएगी, ये वाली वायर इस वाली स्प्लिट रिंग पे आ जाएगी, तो चेंज कर रही है। स्प्लिट रिंग्स है क्या, दो सेमी सर्कुलर डी शेप्ड रिंग्स है, सेमी सर्कुलर डी शेप्ड रिंग्स लिख देते हैं, सेमी सर्कुलर है भाई, आधी सर्कल है ना, सर्कुलर डी शेप रिंग, समझे,
अंग काम के स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना के रखती है ये ब्रश इसके साथ बनेंगे, एक साइड तो ब्रश के साथ बना रही है, एक साइड इस रोटेटिंग कॉइल के साथ बना के रखेंगे, इसको सही पोजिशन में रखेंगे। ठीक है, एक बार इसे नोट करिए, एक आध चीज और भी देखेंगे। अब देखिए, अब ये ऊपर घूम रही है, ऊपर कॉइल घूम रही है, ये नीचे आपने ये रॉड दिखाई दे रही है, इस रॉड के थ्रू ये वो रॉड है, आपको दिखाओ ना मोटर वगैरह में, जब जैसे छोटे बच्चों के जो कार में मोटर नहीं आती, टॉय में एक रॉड बाहर निकल रही होती है जो घूमती है, जिसके ऊपर हम चीजें अटैच करते हैं, ये वो रॉड है। अंदर ये सर्किट घूमेगा तो साथ में रॉड भी घूमती है, बाहर में रॉड घूमती दिखाई देगी मोटर की, ये सारा तो मोटर के अंदर के सीन होता है, ये हमें दिखाई नहीं देता, हमें ये दिखाई देती है रॉड घूमती हुई, इसके ऊपर हम चीजें अटैच कर देते हैं इससे, और हमारा काम चलता है। इलेक्ट्रिक मोटर, ये इसका, ये कहते हैं इसकी वर्किंग मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, एक बार इसे नोट करिए, कोई डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। भाई देखिए, एक चीज और लिख लीजिए, बुक में भी आपको दे रखी है, एनसीईआरटी में एक वर्ड दे रखा होगा आपको, कम्यूटेटर। देखिए, कम्यूटेटर का मतलब क्या होता है, स्प्लिटर का काम क्या होता है, कनेक्शन बना रही है, साथ ही साथ ये वाली कॉइल पहले घूमती है तो ये वाली कॉइल इधर आ जाती है, वाली कॉइल इधर, जिससे क्या होता है इनके अंदर डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है करंट की, पहले ए बी कॉइल में ऊपर जा रही थी, बाद में जब इधर आ गई थी ए बी कॉइल तो नीचे जा रहा था, इधर सी डी में नीचे जा रहा था तो इधर आके ऊपर जा रहा था, तो ये क्या था, डायरेक्शन रिवर्स हो रही थी। अब ये काम कौन करता है, यहाँ पे प्रॉपर कनेक्शन ला के रखता है, और स्प्लिट रिंग की वजह से ही यहाँ पे करंट की प्रॉपरली डायरेक्शन चेंज हो पाती है, तो जो चीज यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करती है उसको बोलते हैं हम कम्यूटेटर, और यहाँ पे कम्यूटेटर क्या है हमारा, स्प्लिट रिंग। तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, इट एक्ट एज कम्यूटेटर, कम्यूटेटर वर्ड वाले लिख देते हैं, ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, कम्यूटेटर। ठीक है, ये देखो, तो ये सारी चीजें हैं हमारी यहाँ पे, बैटरी वायर्स ये सारी चीजें आपको पता है, ये क्या हमारी कॉपर वायर। बुक में कई बार इस रॉड का नाम एक्सेल भी लिख देते हैं, ये वही रॉड है जो बाहर दिखती है घूमती हुई, एक्सेल। ठीक है, बाकी कोई रॉड बोलेंगे आपको, सिंपल से बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें, बाकी इसमें आपको अगर कोई डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम लिखेंगे हमें इसकी थ्योरी, ये थी इसकी वर्किंग पूरी लिखनी है थ्योरी में, वर्किंग कैसे है उसको थ्योरिटिकल फॉर्म में समझ तो हमने लिया, डायग्राम बनाएंगे आप पेपर में, डायग्राम के साथ ही लिखेंगे पूरा डिस्क्रिप्शन मोटर का। अब लिखेंगे इसकी वर्किंग, पहली बार से नोट कर लीजिए, ठीक है, चलिए आगे करते हैं। अब लिखेंगे इसकी वर्किंग, सारी चीजों को हम पॉइंट वाइज लिखेंगे, तो सारी चीजें ध्यान से नोट करिएगा, क्योंकि अगर आप पैराग्राफ के फॉर्म में चीजें लिखेंगे ना बोर्ड में तो अच्छे से मार्क्स नहीं मिलते, कई बार ये पूरा बहुत बड़ा पैराग्राफ हो जाता है, कोई भी एग्जामिनर उसको ढंग से रीड नहीं करता, और जब ढंग से रीड नहीं करता तो आधा अधूरा रीड करता है, उसको अच्छा नहीं लगता आंसर, तो मार्क्स काट लेता है। पॉइंट वाइज ना प्रॉपर अच्छे से दिखता है आंसर, तो इजिली पढ़ा जाता है, और एग्जामिनर जल्दी से पढ़ के सही से आंसर लगता है तो अच्छे मार्क्स देता है, पूरे मार्क्स देता है क्वेश्चन पे। पांच नंबर में आता है ऐसा क्वेश्चन, पूरा लिखना होता है मोटर का डायग्राम समेत, उसका प्रिंसिपल, उसके मटेरियल्स रिक्वायर्ड, उसकी वर्किंग थ्योरी पूरी, वर्किंग थ्योरी पूरी। ठीक है, तब थ्योरी लिखेंगे कैसे कैसे काम करेगी, कैसे कैसे करता है, भाई नीचे बैटरी लगी हुई थी, बैटरी से करंट जा रहा था कॉइल में ऊपर की तरफ, ब्रशेस से पास होके, स्प्लिटरिंग से पास होके वो कॉइल में जा रहा था ऊपर ए बी कॉइल पे, ए बी कॉइल के चारों तरफ के साइड में क्या था, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, जब उसमें करंट पास होता था तो क्या होता था, उस पर फोर्स लगती थी, फोर्स लग के वो अंदर इधर चल जाती थी, फिर एक साइड से दूसरी साइड भी जब करंट घूम गया था सी डी कॉइल, उस पर जब फोर्स लगता था वो बाहर की तरफ आती थी, जिससे क्या होता कॉइल टर्न कर जाती थी 180 डिग्री। जैसे कॉइल 180 डिग्री टर्न करती थी, दोनों कॉइल्स में ए बी और सी डी में डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो जाती थी, जहां पे ए बी में करंट ऊपर जाता है वहां नीचे जाने लगता है, सी डी में जहां नीचे जाता है ऊपर जाने लगता है फिर से, और फिर क्या होता है जब करंट डायरेक्शन बदल जाती है फिर से फोर्स की डायरेक्शन बदल जाती है, जब डायरेक्शन रिवर्स होती है, जो सी डी कॉइल पहले बाहर आई थी वो अंदर चल जाती है ए बी के पॉइंट, और जो ए बी अंदर गई थी वो बाहर निकल जाती है, फिर वापस से वो 180 डिग्री टर्न कर जाती है, और फिर इससे उसका 360 डिग्री का पूरा एक रोटेशन खत्म हो जाता है, और वापस जो ए बी कॉइल अपनी पोजिशन पर आ जाती है और सी डी कॉइल भी अपनी पे, फिर वापस उन पे ये साइकिल रिपीट होती रहती है, और हमारी मोटर भी कंटिन्यूअसली वर्क करती रहती है, और उससे एक्सेल हमारी घूमती है जो रॉड थी बाहर, और उससे हम फिर आगे उसको डिवाइस में यूज कर लेते हैं। ठीक है,
ये हमारी पूरी सीरीज समझी थी हमने, हमने स्प्लिट रिंग का फंक्शन समझा, स्प्लिट रिंग क्या थी, कम्यूटेटर इधर काम कर रही थी। अब देखते हैं आगे इसकी वर्किंग, तो लिखना कैसे, फर्स्ट स्विच ऑन द बैटरी, भाई बैटरी को स्विच ऑन तो करेंगे ना, बस अटैच तो करेंगे ना, ऑन द बैटरी एंड करंट स्टार्ट फ्लो फ्लोइंग, करंट स्टार्ट हो गया फ्लो ना, देन फ्लोइंग, देन पासिस टू ब्रशेस, देन कम्यूटेटर, कम्यूटेटर को अलग वर्ड से लिख दीजिएगा, कम्यूटेटर इंपॉर्टेंट होता है, ये एमसीक्यू में भी कई बार पूछते हैं कम्यूटेटर, कम्यूटेटर तो इसलिए इसके बारे में जरूर देखिए, कम्यूटेटर, कम्यूटेटर से, एंड देन इन कॉइल, एंड देन इन कॉइल, कौन सी में, ए बी में अपवर्ड जा रहा था, तो यहां पे लिखेंगे आप ए बी में अपवर्ड एंड सी डी में पहले क्या था, डाउनवर्ड, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे द मैग्नेटिक फील्ड, भाई मैग्नेटिक फील्ड तो साथ में फ्लो है, मैग्नेटिक फील्ड फ्लो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ जाता है मैग्नेटिक फील्ड, आपको पता ही है, आप शो करेंगे टू साउथ ड्यू टू विच, जिसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा, ड्यू टू विच मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स जनरेट, मैग्नेटिक फोर्स जनरेट एंड ए बी कॉइल गो इनवर्ड, ए बी कॉइल अंदर की तरफ चली गई, इस वर्ड को पेपर में लिखते वक्त ऐसे हाईलाइट कर दीजिएगा, इनवर्ड इस वाली लाइन को, ऐसे आप अगर आप बीच बीच में ऐसी चीजें करते रहेंगे ना हाईलाइट, तो क्या होगा, कई बार एग्जामिनर पूरा आंसर भी नहीं पढ़ता, वो इन वर्ड्स को पढ़ेगा और आपका आंसर समझ जाएगा और डायरेक्ट पूरे मार्क्स दे देगा, इससे बेनिफिट ही रहता है। कई बार ऐसा होता है जहां पे कई बार आपकी अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक हुई ना, तो वो एग्जामिनर को नजर नहीं आती, अगर एग्जाम को नजर नहीं आएगी तो आपके मार्क्स कटने से बच जाएंगे, एडवांटेज वो इन वर्ड्स को पढ़ेगा, बाकी आंसर को देखेगा ध्यान से और बस आपका काम बन जाएगा। तो ये ट्रिक्स आप अप्लाई कर सकते हैं, इससे क्या होगा, एग्जामिनर से वो पढ़ेगा जो आप चाहते हैं पढ़ाना उसे, वो नहीं जो खुद पढ़ना चाहता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहती है ट्रिक। क्या, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स लगे उनको हाईलाइट कर दें नीचे, ब्लैक, अगर ब्लू से लिख रहे तो ब्लैक से कर दें, नहीं तो ब्लू से हाईलाइट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। एंड सी डी कम आउटवर्ड, सी डी बाहर की तरफ आ जाएगी, आउटवर्ड, ठीक है, ये भी मैं हाईलाइट कर रहा हूं। नेक्स्ट थिंग इसी में लिख देते हैं, विच मेक्स कॉइल टू टर्न 180 डिग्री, जिससे क्या हुआ, कॉइल 180 डिग्री घूम गई, ठीक है, यहां तक चीज क्लियर है। दो पॉइंट लिखे, भाई मैग्नेटिक फील्ड फ्लो रहा था, करंट नीचे से फ्लो हुआ, ए बी में ऊपर गया, सी डी में नीचे आया, जिससे फोर्स लगा, कॉइल 180 डिग्री घूम गई, डन। अब आगे लिखेंगे, नाउ यहां पे लिखेंगे अब कम्यूटेटर को, नाउ कम्यूटेटर कम्यूटेटर, इसमें ब्रैकेट में लिखेंगे स्प्लिट रिंग्स, क्या है कम्यूटेटर, स्प्लिट रिंग्स रिवर्स डायरेक्शन ऑफ करंट,
यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा करंट के डायरेक्शन, कैसे एबी में चल जाएगा इन एबी, एबी में लिखेंगे ऐसे, एबी में पहले अपवर्ड इनवर्ड, पहले में कहाँ था करंट, एबी में पहले था अपवर्ड, अब लिख देंगे डाउनवर्ड, एंड इन सीडी, सीडी में पहले कहां था डाउनवर्ड, अपवर्ड लिख दीजिए, इतना पॉइंट लिख दिया। फोर्थ पॉइंट लिखते हैं, विच मेक्स, विच क्रिएट मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स एंड इट एंड कॉइल्स टर्न अगेन, कैसे अब के सीडी, सीडी पे ऊपर जाता करंट, तो सीडी इनसाइड चल जाएगी, सीडी इनवर्ड, एंड इस पॉइंट पे पेपर में हाईलाइट कर दीजिएगा ऐसे, ए बी आउटवर्ड, इस बार ए बी आउटवर्ड आ गई क्योंकि डायरेक्शन बदल गई, आउटवर्ड, ठीक है, ये पॉइंट भी लिख दिया हमने। एंड अब जिस देखिए ऐसे थी मोटर, भाई देखिए ए बी कॉइल ये थी शुरुआत में, ये सी डी कॉइल थी, ये ए बी कॉइल अंदर की तरफ गई, सी डी कॉइल बाहर आ गई, देखिए ऐसे हो गया सीन, ऐसे ये आपके सी डी कॉइल हो गई, ये ए बी कॉइल हो गई, अब डायरेक्शन रिवर्स हो गए, तो सी डी कॉइल फिर से आपके सी डी कॉइल अंदर जाएगी और ए बी कॉइल बाहर को आएगी, इस तरीके से वापस ओरिजिनल पोजिशन में ऐसे आ गई, फिर से 180 डिग्री टर्न हो गया, फिर से ऐसे घूमेगी कॉइल, फिर से ऐसे घूमती रहेगी, इससे हमारी मोटर घूमती रहेगी, फिर कंटिन्यूअसली साइकिल रन होती रहेगी, कॉइल के डर में करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी और हमारी मोटर पकड़ती रहेगी, एंड देन एंड कॉइल टर्न अगेन 180 डिग्री, ये भी लिखेंगे 180 डिग्री। लास्ट पॉइंट लिखेंगे अब, नाउ दिस रोटेशन रोटेट, ये लिख देंगे रोटेट एक्सल एंड दिस साइकिल ऑफ रोटेशन कंटिन्यू, फिर ऐसे लिख लीजिए, ऐसा ऐसे लिखेगा दिस रोटेशन रोटेशन रोटेट दिस रोटेशन साइकिल कंटिन्यू अगेन एंड अगेन, बार बार होती रहेगी साइकिल अगेन एंड अगेन, विच रोटेट विच ऑल्सो विच रोटेट एक्सेल, एक्सेल को यहां पे गोला मार्क कर दीजिए, सर्कल कर दीजिए, गोला कर गोला स्क्वायर बना दीजिए, हाईलाइट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं किसी भी चीज से, एंड आवर मोटर वर्क्स, और हमारी मोटर वर्क करती रहेगी, ठीक है, ये था हमारी पूरी मोटर की वर्किंग, पहले मैं मोटर की वर्किंग समझी और फिर उसे लिख लिया पॉइंट में, ये पॉइंट आप पेपर में लिखेंगे आपको 100% पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब ये बात आती है मोटर के, आप लास्ट में थोड़े से यूज लिख देंगे, आपका आंसर लंबा हो जाएगा और अच्छा लगेगा, क्योंकि 5 मार्क्स के क्वेश्चन में कम से कम आपको 1.5 पेज लिखना पड़ेगा, 1.5 या फिर मिनिमम एक पूरा एक जो है एक फ्रंट पेज होता है वो तो लिखना ही पड़ेगा, हो सकता है थोड़ा बैक में भी लिखना पड़े, कि अगर आप छोटे छोटे आंसर लिखेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलते पेपर में, ये बात याद रखिएगा, बोर्ड में थोड़ा सा लेंथी आंसर लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए आपके पास कंटेंट भी होना चाहिए लेंथी आंसर लिखने के लिए, और अच्छा कंटेंट होता है तो मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं, वरना फिर वो 5 नंबर क्वेश्चन में 3 मार्क्स 4 मार्क्स ऐसे देते हैं अगर कंटेंट अच्छा नहीं होगा, और कंटेंट पढ़ने से आएगा तो ध्यान से पढ़े, ठीक है, देख लीजिए एक बार से, ठीक है, चलिए आप इसके यूजेस समझते हैं, ये कहाँ कहाँ यूज होती है, आप खुद सोचिए इलेक्ट्रिक मोटर्स कहाँ कहाँ यूज होती है, घर में आपने अप्लायंसेस देखे होंगे कहाँ कहाँ मोटर्स यूज होती है हमारी, सोचिए, आंसर मिला तो आपको पता चला होगा वॉशिंग मशीन में, गीजर्स में, टॉयज में, हर जगह पंखे में,
कूलर, इन सारी जगह पे मोटर यूज होती है। ठीक है, और भी आप अपनी तरफ से अगर कोई एग्जांपल याद आता है तो वो भी आप लिख सकते हैं। ये पॉइंट भी आप उसी आंसर के लास्ट में लिख देंगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा यूजर्स इन कूलर, कूलर्स, फैंस, जो मेकअप भाई हेयर ड्रायर वगैरह होते हैं उनमें भी मोटर होती है, हेयर ड्रायर, हेयर ड्रायर पे स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, स्पेलिंग नहीं पता, हेयर ड्रायर, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन देखो ना वो घूमती रहती है, घूमता रहता चक्कर दिखाते पूरा इस तरह घूमता हुआ, वो मशीन उससे तो घूम रहा है इलेक्ट्रिक मोटर से, वॉशिंग मशीन, ये सारी जगह पे आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। अब एक चीज है, बुक में ना आपकी एक एक्टिविटी और दे रखी है इसी बेस पे, उन्होंने दिखाया कि जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी कोई चार्ज पास होगा किसी वायर के थ्रू, वायर के थ्रू नॉर्मली भी, तो उस पर फोर्स होता है, इसकी एक एक्टिविटी दिखाई है। क्या करें उन्होंने, ये एक्टिविटी आप बुक में चेक करिए दिखाई गई है, क्या करें उन्होंने एक स्टैंड लगाया, एक्टिविटी ऊपर खत्म हो गया पूरा, मोटर खत्म हो गया आपकी, ये एक्टिविटी है, ये भी समझ लीजिए, ज्यादा आती नहीं फिर भी समझ लीजिए थोड़ा। क्या करें उन्होंने एक स्टैंड लगाया और एक स्टैंड पे वो होती है ना भाई आयरन की पट्टी सी होती है, आयरन स्ट्रिप, उसको लटका दिया ऐसे, आयरन की स्ट्रिप। ठीक है, ये पैटर्न में साथ ही साथ हमने क्या किया, एक साइड इसके दोनों साइड लगा दी बैटरी ऐसे वायर से, भाई आयरन स्ट्रिप लगाई उसके साथ में वायर्स लगा दी, कोई दिक्कत थोड़ी है, यहां पे बैटरी लगा दिया हमने, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव टर्मिनल। साथ ही साथ हमने क्या किया इसी के थ्रू, उन्होंने बुक में हवा में दिखा रखी है लेकिन आप बांध सकते हैं मैग्नेट को, देखिए ये रॉड जो है ना ये ऐसे टिकी हुई है, ये जो हमारी ये जो आयरन की स्ट्रिप है ना ये ऐसे रखी है, ये स्टैंड है पूरा मान लीजिए, देखिए जैसे ये स्टैंड है हमारा, मान लीजिए स्टैंड है तो इस पे ऐसे लटकी हुई है रॉड वायर के थ्रू, मतलब किसी रस्सी के थ्रू टांगी हुई है, ऐसे रॉड टांगी है। ठीक है, डन, इस तरह टांगी हुई है। अब क्या किया हमने, साइड में इसके वो लगा दी, क्या कहते हैं मैग्नेट, ऐसे टंगी हुई है ना तो यहाँ पे टांग देंगे हम यू शेप मैग्नेट इसके दोनों साइड, देखिए क्या करा हमने, यू शेप्ड मैग्नेट लगा दी। यू शेप कौन सी होती है, हॉर्स शू शेप बोलते हैं इसे हम पेपर में, पेपर में इसका नाम आता है हॉर्स शू शेप, याद रखिएगा, घोड़े की नाल वाली मैग्नेट, मतलब शेप इसकी ऐसी होती है, एक साइड इसके नॉर्थ पोल होगा भाई, एक साइड साउथ पोल होगा। ये क्यों लगाइए, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए, क्योंकि करंट के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी तो चाहिए ना हमें, आउटर मैग्नेटिक फील्ड, याद रखिएगा फोर्स क्रिएट करने के लिए हमें आउटर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है, जिस वायर में करंट पास हो रहा है उसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं काम आता, हालांकि इस वायर इस मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इसका आयरन स्ट्रिप के आसपास तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जब यहाँ से करंट पास हो रहा है, लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड का कोई यूज नहीं है यहाँ पे, याद रखिएगा हमें आउटर मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ता है अलग से। तो देखिए यहां से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा इस कोने से इस कोने तक, तो क्या देखेंगे आप, मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है, फिर जो रॉड होगी ना शेक करेंगे हिलती हुई दिखाई देगी, इट शेक्स, हिलेगी, आयरन स्ट्रिप, आयरन रॉड बोल लीजिए, स्ट्रिप आयरन रॉड या स्ट्रिप शेक्स, हिलेगी मतलब ऐसे ऐसे स्ट्रिप, क्योंकि इसमें फोर्स लग रहा है, हिलेगी। ठीक है, समझे, तो ये थी आपकी एक्टिविटी, ये भी बुक में दे रखी है, एक बार इसे पढ़ लेंगे समझ आ जाएगी। बाकी हमने आपको डेमोन्स्ट्रेट कर दिए स्टैंड के थ्रू, ये हमारा मान लीजिए स्टैंड है, इस पे ऐसे लटका दिया मैगनेट, इस पे सॉरी ऐसे लटका दिया आयरन स्ट्रिप, और इसके ऐसे यू शेप की फॉर्म में दोनों कॉर्नर पे लगा दिया हमने मैगनेट, क्या कहते हैं हमारी मैगनेट, दिखाते हैं हम आपको एक बार, एक मिनट, देखिए भाई ऐसे रहेगा पैटर्न हमारा लटकाने का, मान लीजिए ये तो स्टैंड है, यहाँ पे हमने ऐसे वायर लटका दी, रॉड हमारी जो स्ट्रिप है, और इसके दोनों कॉर्नर पे ऐसे लगा देंगे, देखिए ये देखिए ऐसे, एटलीस्ट ये मैग्नेट इसके ऊपर से पास होनी चाहिए इसके अंदर से, ऐसे देखिए पैटर्न रहेगा लटकाने का, ये देखिए भाई हॉर्स शू शेप मैग्नेट के बीच में आ गई है,
स्टैंड के थ्रू लटकी हुई है, तो जब इस पे करंट पास होगा तो ऐसा ऐसा शेक करेगी, थोड़ी हिलेगी अपनी जगह से, क्योंकि पहले हिलेगी फोर्स लगेगा, बाद में ग्रेविटी से वापस अपनी पोजिशन आ जाएगी, फिर हिलेगी, तो इस तरह शेक करेगी, इस तरह स्टैंड के थ्रू लटकी होगी मैग्नेट भी और साथ ही साथ हमारी स्ट्रिप भी, आयरन रॉड या स्ट्रिप, ठीक है। तो ये आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं घर पे भी, अगर आपके पास सारा सामान मिल जाए तो, वरना ना बुक में भी एक्टिविटी दे रखी है, उसको एक बार रीड करें अच्छे से, समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारे यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ईएमआई स्टार्ट करेंगे। ईएमआई क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी तक हम क्या कर रहे थे? करंट सप्लाई करते थे, मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई करते थे, फोर्स मिलता था हमें। अब किसका उल्टा करेंगे? अब क्या, मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, फोर्स क्रिएट करेंगे, उससे करंट बनाएंगे। ये साइकिल आपस में रिवर्सेबल होती है। मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों साइड से चाहिए होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो कॉमन है। करंट सप्लाई करेंगे फोर्स मिलेगा, फोर्स सप्लाई करेंगे करंट मिलेगा। तो ईएमआई में आप क्या पढ़ेंगे? फोर्स लगाएंगे अपनी तरफ से, मस्कुलर फोर्स, और उस समय करंट मिलेगा। तो वो पढ़ेंगे ईएमआई में नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।